यह शॉर्ट फिल्म वास्तविक घटना से प्रेरित है, जिसे मनोरंजन के उद्देश्य से काल्पनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन की ओर केंद्रित है। यह किसी व्यक्ति या देश की कार्यशैली को नहीं दर्शाता है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी धार्मिक ग्रंथ, स्थान, देशवादी को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। लॉन्च के लिए 3 सेकंड बाकी। 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। आखिर 1 महीने के इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया। अब से कुछ ही देर बाद चंद्रयान 2 चांद के सतह पर लैंड करने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता के पास चलते हैं। लैंडर विक्रम सक्सेसफुली अलग होकर अपने मिशन के लिए आगे बढ़ चुका है। रुक क्यों गया? What happened? सर पता नहीं क्यों शायद कनेक्शन टूट गया है। हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई रहेगी तो थोड़ी देर बाद रोवर बाहर निकलकर हमसे कनेक्ट करेगा। चंद्रयान 2 से इसरो का कनेक्शन टूटा। कई कोशिशों के बावजूद दोबारा कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। हमने विक्रम लैंडर से संपर्क खो दिया है। वी हैव लॉस्ट कांटेक्ट विद द विक्रम लैंडर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चंद्रयान 2 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग मिशन फेल हो चुका है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? The Chandrayaan 2 soft landing mission unfortunately experienced a failure. The Chandrayaan 2 mission. Chandrayaan 2 mission. Chandrayaan 2. The Chandrayaan 2 mission failed. 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 चंद्रयान 2 पैसे और संसाधनों की बर्बादी है। भारत को चंद्रमा का पीछा करने के बजाय अपनी गरीबी, भूख और प्रदूषण की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। इसरो के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, पर वह चंद्रमा पर एक साधारण रोवर भी नहीं उतार सकते, तो वे नासा, ESA या चाइना के साथ मुकाबला करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अपने से बड़े काम नहीं करने चाहिए इंडिया वालों, तुमसे ना हो पाएगा। इसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुए थे। माना जाता है आज के आधुनिक युग का इंसान लाखों साल पहले जंगलों में भटकने वाला वन मानुष था। जब से उसने होश संभाला तब से अनगिनत सवालों के जवाब के पीछे भागते हुए जाने अनजाने एक के बाद एक खोज करता चला गया और उदय हुआ विज्ञान का, जिसने उनकी पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। उसे धरती से आसमान की ओर खींच लिया। इंसान ने अंतरिक्ष में कदम रखा। फिर कई देशों की स्पेस एजेंसीज एक के बाद एक रॉकेट भेजकर ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर पानी की खोज की शुरुआत की, ताकि वह वहां के जानकारी के साथ अपने ज्ञान और टेक्नोलॉजी का एडवांस लेवल तक विकास कर इंसानों को दूसरे ग्रह पर बसा सकें। और इस खोज में सबसे पसंदीदा जगह बना चांद, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह, जो दशकों से इंसानों का ध्यान अपनी ओर खींचते आया है। इन्हीं में एक देश उड़ता है, हमारा भारत, जिसने अपना पहला रॉकेट का सफर बैलगाड़ी और साइकिल से तय किया। माना कि दूसरे देशों की तरह हमारे पास संसाधनों की कमी थी, पर हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं थी।
तभी तो अपने पहले ही कोशिश में हम धरती से मंगल ग्रह के ऑर्बिट में जा पहुंचे। जब दुनिया के तीन सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी अमेरिका की नासा, रूस की रोस्कोमोस और चाइना के CNSA चांद पर लैंडर भेजकर पानी की खोज में लगी थी, तब एंट्री होती है भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की। साल 2008 में मिशन मून से चांद के सतह को ऑर्बिट से स्कैन कर उत्तरी भाग में पानी का बर्फ के रूप में जमा होने का पता लगाती है। फिर साल 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च करती है ताकि चांद के सतह पर यान उतार कर और भी जानकारी जुटा सकें। मगर यह मिशन पूरे तरीके से सफल नहीं रहा, पर अभी तक हमने हार नहीं मानी। क्या अपडेट्स हैं? हाँ सर, ये देखिए चांद के ऑर्बिटर से हमें जो फोटो आई है उसकी जांच के बाद हमें पता चला कि लैंडर के लिए हमने जिस एरिया को चुना था वहाँ लैंडिंग तो हुई नहीं। फिर हमने दो फोटो की जांच की, एक लैंडिंग के पहले की, दूसरी लैंडिंग के बाद की, तो हमें ये मिला। लैंडिंग एरिया से कुछ किलोमीटर दूर लैंडर ने हार्ड लैंडिंग की और क्रैश हो गया। और हमारा कनेक्शन लैंडिंग से पहले कैसे टूट गया? सर, एक छोटे से ग्लिच के कारण हमारा लैंडर से कनेक्शन टूट गया था। लैंडर ने हार्ड लैंडिंग की और क्रैश। सर, एक छोटे से ग्लिच के कारण हमारा लैंडर से कनेक्शन टूट गया। हमारा लैंडर ने हार्ड लैंडिंग की और क्रैश। लैंडर ने सर क्या सोच रहे हैं आप? यही कि हमें अब और भी ज्यादा मेहनत करना है। चार साल बाद फिर एक बार वो दिन आ ही गया जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर अटकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। लिफ्ट ऑफ। आज हमारे स्टूडियो के साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं जो हमें बताएंगे चंद्रयान 3 अपना चांद तक का सफर कैसे तय करेगा। देखिए, हमारे साइंटिस्ट चंद्रयान 3 को सीधे ना भेजकर पृथ्वी के ऑर्बिट में गोल चक्कर लगाते हुए चांद की ओर भेजेंगे, जिससे फ्यूल की बचत होगी। हमने सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस अपना लूनार 25 रॉकेट चांद के साउथ पोल पर भेज रहा है, जो केवल 10 दिन का सफर तय करके सीधे चांद पर पहुंचेगा। लूनर 25 रेडी टू लैंड ऑन मून। ब्रेकिंग न्यूज, रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने ट्विटर के माध्यम से बताया उनका मून मिशन लूनार 25 रॉकेट चांद के सतह से टकराने के कारण क्रैश हो गया। इसरो ने ट्विटर के माध्यम से मनोबल बढ़ाया।
और एक बार फिर दुनिया की नज़र भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी है। अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाता है तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला और चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा। लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 5, 4, 3, 2, 1। ब्रेकिंग एटीट्यूड होल्ड फेस, फाइन ब्रेकिंग फेस, टर्मिनल डिसेंट फेस, ऊंचाई घटती हुई, ऊंचाई 30 किलोमीटर, ऊंचाई 7 किलोमीटर, ऊंचाई 800 मीटर, ऊंचाई 130 मीटर, ऊंचाई 60 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर। हमने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। विक्रम लैंडर सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। इसरो के इतिहास में आज के तारीख को सुनहरे अक्षरों में याद रखा जाएगा। इंडिया। Done successfully landing on the moon. The Chandrayaan 3 done successfully landing on the moon.